नमस्कार, खबर तक टीम मौजूद है सफेदों की पुरानी चंगी पर। सब देख सकते हैं यहाँ कुछ एक दुकान को लेकर विवाद है और यहाँ काफ़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है। 112 नंबर जब कॉल की गई और दुकान के जो मालिक उनसे बात कर लेते, भाई किस तरह क्या विवाद है, क्या मामला है? जनाब, दुकान हमने ये मोल ले रखी है जी, पूरी रजिस्ट्री है जी, जमीन से आसमान तक लिखी हुई है सारी रजिस्ट्री में पक्का जी। फिर ये पीछे पहले बेची है जी, इसने दोबारा मालिक बनने की कोशिश कर रहा है जी, ये कह रहा है मैंने बेची नहीं, छत नहीं बेची, वो नहीं बेची, दुकान नहीं बेची जी। बताओ रजिस्ट्री में पूरा लिखा है 12x12 की है, जैसे हमारी दुकान है ये, तो हमने थर्ड पार्टी से लिया जी, इसने उसको बेची है जी। छत भी आपकी है? छत भी सब जमीन से आसमान क्लियर है, बिल्कुल लिखा हुआ है। विवाद किस बात का है? बस वो एक खाम खा कब्जा कर रहे हैं जी, बेमतलब का धक्के शाही हो रही है जी, धक्के शाही, धक्के शाही। कौन कर रहा है धक्के शाही? कौन ये सत्यवान है जी? सत्यवान? हाँ जी। तो उन्हीं से ली थी आपने? नहीं, दूसरे से ली थी हमने, इन्हें उनसे बेची हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो ये पुलिस भी मौके पर है, पुलिस से क्या कार्रवाई करी आगे? बुला रहे हैं जी पुलिस को, अभी तो कह रहे हैं जी वहाँ करेंगे, आज थाने में। रजिस्ट्री आपके नाम है? हाँ जी, मिसिज के नाम है। अच्छा, आप फ्रिज रखी? हाँ जी। कब फ्रिज दी आपने? हमने 2010 2009 में की। तो अब जो भी बात है, अब किस बात को लेकर है? बस हम ऊपर बनाना चाहे चार दीवारी कर ले, नहीं करने देता ऊपर जी, हम अपना थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं ऊपर का भी, आपने लिया होगा छत? हाँ जी, सब हमारी है। हाँ जी, जमीन से लेकर ऊपर? हाँ जी। तो फिर इतराज किस बात का है? खाम खास धक्के से ही धक्का सही कर रहे हैं जी, धक्का सही कर। हाँ जी, बेमतलब। तो पुलिस को किसने बुलाया आपने? हाँ जी, बुलाया हमने जी। तो क्या बात है बताओ? ये धक्के से वो हो रहा है जी, जब पूरी दुकान हमारी है, ऊपर से छत भी नीचे अपनी है, तो बेफालतू ऊपर चिनाई लगा रहे हम, तो अपनी चार दीवारी करेंगे ना अपनी जगह है, तो ऊपर से फेंक दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जगह मेरी है, ये चार फुट आगे लो, रोड तक ले, रोड तक कौन दुकान बनाएगा अपनी, जितनी जगह होगी उसकी में दुकान बनेगी ना। पुलिस प्रशासन मौके पर क्या मांग करते हैं पुलिस से? तो पुलिस से मांग करते भी हमें ऊपर चिनाई लगाने दो और हमारी जगह है जो ऊपर से नीचे तक सारा उसका वो दो। चलिए जानते हैं, जो आरोप लगाया सत्यवान है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्यवान आकर हमें यानी कि दुकान जो ऊपर छत पे जो चार दीवारी बना रहे हैं उसे बनाने के लिए मना कर रहे हैं। जान लेते हैं सत्यवान से, भी जान लेते हैं सत्यवान जी कि क्या मामला है। एक आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने आपसे दुकान किसी और से ली थी, आपने किसी और को दी थी, और जब ऊपर बना रहे हैं तो आप इनको बनाने दे रहे हो और जान से मारने की धमकियां दे रहे हो, आप इस तरह के आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, क्या मामला है? आरोप बिल्कुल गलत है, ऊपर बनाने का कोई मना नहीं कर रहा था इसको, जो मैंने इसको दुकान, पहली बात मैंने इसको नहीं बेची दुकान, किसी और से ली इसने दुकान, तो कह नहीं रहे आपने हमने बेची है। पहली पार्टी में हूँ। फर्स्ट पार्टी? आप फर्स्ट पार्टी में हूँ। विवाद किस बात को? विवाद इस बात का, दुकान का साइज है 11 फुट 9 इंच है, 12 फुट जो भी है, जहाँ से मैं मालिक हूँ वहीं से दुकान मापी जाएगी। इन्हें अपनी पार्किंग के लिए कोई माल आती दुकान छोड़ देता है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री हुई होगी उसके अंदर ये सारी जो कंडीशन पूरी हुई होंगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसके अंदर, वो तो क्या है? पढ़ो आप, पढ़ो आप, सामने आके बताओ ना, चौन तरह कोई बात ही नहीं इसमें, नहीं वो कह रहे रजिस्ट्री में सारा क्लियर है, चौन तरह की कोई बात नहीं भाई साहब, इसमें हमने पुलिस को भी दिखाया सब कुछ दिखाया। सुनो, ये रजिस्ट्री वाले ने थर्ड पार्टी कराई, किसी और से कराई, सुनो एक मिनट, जो मैंने बेची है जिसको उसको ले आओ, ये बेची गया उसकी भी रजिस्ट्री दिखाएंगे हम, हाँ उसको ले आओ आप, उसकी भी हमारे पास, वो ये कह रहे हैं रजिस्ट्री में सारे दुकान का पूरा पूर्ण रूप से मालिक मैं हूँ, ठीक है भाई साहब, दुकान में मेरा गेट भी है, सुनो उस दुकान का, सुनो ऊपर से फेंकने का प्रयास किया जान से मारने की धमकी, ऐसे है पहले मेरी सुनो, पहली बात तो दुकान के अंदर मेरा गेट है, अच्छा अलमारी है मेरी जो दुकान के अंदर ही है, अगर दुकान में गेट है तो आप भी समझदार हो, हमारे आप मोल लेते हो, क्या दुकान का गेट बंद नहीं करोगे आप? पुलिस ने इंक्वायरी कर ली सारी, बंद नहीं, क्या बंद नहीं करोगे उसको? नहीं, क्या आप उसको बंद नहीं करोगे? बंद है जो अलमारी की मेरी जगह भीतर आई हुई है, क्या उसको तोड़ो नहीं गया आप? अगर वो नजायज है तो गेट क्या तोड़ो नहीं गया आप? गेट का क्या मामला है? कुछ नहीं, गेट जी बिल्कुल बंद है सारी, नहीं कोई बंद नहीं, देख लिया पुलिस वाले आए थे जी, चेक कर लो मौके पे, आप भी देख लो, आप भी सत्यवान कहना है कि गेट है उनका, नहीं यार आप खुद देख लो, ये कभी कह रहे हैं जी आपकी रोड तक जगह है, कभी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं रोड से, कभी वो सीधे आगे में जाकर जमीन है, तभी तो मैं गेट खोल रहा हूं अपना, थोड़ा खोलना जाकर मेरे को। सर, इस मामले को लेकर आपने यहाँ छानबीन की है और आपने तफ्तीश भी की है, क्या कहना चाहिए, क्या लगता है कौन गलत है कौन सही है? ऐसा जी, जो गेट जो पहले होगा ना इनका, पहले इसकी दुकान थी इनका गेट होगा, तो उनकी तरफ से उरली साइड में कोई नहीं है गेट, इनकी साइड अपनी साइड में था जो पहले था वो इसकी दुकान थी उसकी उस टाइम तो था। आप भी यहाँ पहुँचे, तफ्तीश की है, लोकेशन भी देख लिया, आप अंदर भी गए, आप सब देख लिया, आपको क्या लगता है कौन सही, सत्यवान सही है? भाई फिलहाल तो दुकान या तक आगे चौतरा में पाई करे, चौतरे की तो कोई मपाई नहीं होती,
क्योंकि ये तो कमेटी वाले कल की फोड़ देंगे ये इसका यहाँ तक कैसे फरमाया करेगा। हाँ मैं कब क्या भैया लगता भैया हमने तो ये दुकान इन्हीं की लगती है फिलहाल तो जो इन्हें बेची है जो बेची है इन्हें। हाँ और ये इसका इसकी जमीन कैसे रहेगी जो दुकान तो सत्यवान तो कह रहे हैं उसने गेट रखा है दुकान उसकी गेट दुकान तो गेट तो पहले लगाया होगा नहीं अब तो पर बंद है नहीं जब मैंने बेची तब लगा रखा है फिलहाल बंद गेट है इनकी तरफ बंद है इनकी तरफ भी तरक बेशक बढ़ाए रोज बिल्कुल गेट खुला हुआ है मैंने अलमारी मैं आपको दिखा देता हूँ गेट है जब मैंने पहली पार्टी को दुकान बेची थी उस टाइम मेरी दुकान में जमीन थी उस टाइम मैंने अपना गेट लगाया था ताकि पहले कोई गेट नहीं था इसमें नहीं पुलिस कैसे कहते गलत है आप देखो खुद ही पता लग जाएगा मौका दिखा दीजिए। तो यह देख सकते हैं सत्यवान ने दावा किया है कि इस दुकान के अंदर उसका गेट है और गेट का जो रास्ता रखा हुआ है जिसकी वजह से वो कह रहा है कि अच्छा यहाँ कोई गेट नहीं है जी सारी बताओ। यहाँ देख सकते हैं जो सत्यवान ने एक दावा किया था जो दुकान वाले से मना कर रहे हैं यहाँ कोई गेट नहीं है एक अलमारी लगी हुई है और जो सत्यवान ने बात किया कि अंदर गेट लगा हुआ है गेट यहाँ कोई दिखाई नहीं और पुलिस का भी यही कहना है कि यहाँ कोई गेट नहीं है और पुलिस ने यह माना है कि जो दुकान का असली मालिक है वीरेंद्र वो पूरी तरह से इस दुकान का मालिक है यही बात है ना सर यही है भाई फिलहाल तो इसका कोई गेट नहीं है गेट तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आप ऊपर खड़े हो देखो ना इसके पीछे गेट है कि नहीं है कोई नहीं गेट आप तो गेट तो अगर होगा गेट तो पहले चला गया ना हमारी दुकान होगी तब यहाँ से यहाँ तक तो हमारी होगी ना वो तो पहले तो क्या क्या बना रखा उसने गेट अलमारी के पीछे चलिए अलमारी के पीछे भी है सर सुनिए तो अब सुनिए गेट अलमारी के पीछे मान लिया आपके अभी वो गेट बंद है या खुला है बंद है देखो जी बंद है बिल्कुल हाँ बंद है बिल्कुल इन्होंने रातों रात काम किया जो भी नहीं, 10 साल हो गए रातों रात कर दिया 10 साल तो बीच में नहीं आए वो तो देखने में ताजी चलाएगा पता लगेगा देखो ना आप चढ़ के ऊपर देख लेते आप ही देखो पता लग जाएगा अपना ताजी सर क्या लगता है पुलिस जो आई इस मामले पुलिस क्या कार्रवाई करेगी भाई पुलिस ये नहीं मानेंगे सचो साहब को पेश करेंगे इन दोनों पार्टी को बेचने से पहले था जो कुछ भी था जी मेरी दुकान है जी बराबर में भी हाँ जी आपको क्या लगता है सत्यमान के दावे सही हैं या वीरेंद्र के दावे सही हैं वीरेंद्र के यानी कि किसे मालिक मानते हैं सही वीरेंद्र है तो जी प्रॉपर्टी बेच दीजिए इसमें चाहे गेट हो चाहे शिवर हो फिर तो प्रॉपर्टी अगले की होगी तो आप किसे गलत मानते हैं सत्यवान का वीरेंद्र को सत्यवान गलत मानते हैं जी पड़ोसी भी कह रहे थे आप गलत पड़ोसी सबकी जगह कब्जे कर रखे हैं पड़ोसी की दो दुकान है उसके ऊपर कब्जे कर रखे इन्होंने जो बात सुन रहा है जो बात सुन रहा है वो मेरे को गलत बताया बात सुन के तो गलत बताएगा कोई भी ये कहते हैं नगरपालिका का चौतरा है तोड़ो इसको नगरपालिका का पहली पार्टी दुकान बेची थी उस टाइम जब गेट ना मैंने गेट लगाया था अपना ये इसलिए लगाया था कि मेरी इसमें जमीन थी आप लेकिन रातों रात काम किया कब नहीं इन्होंने बंद किया है कब किया है हमने क्या पता कब किया है मंथ नहीं आता रातों रात बंद किया है भैया मैं यहाँ था नहीं ठीक है नहीं हम तो खाते ने कुछ भी किया हो मेरे पास आ चलिए दिखाइए आज आप भी आ जाओ देख लेते हैं वो भी तो ये देख सकते हैं पिछले जो कह रहे हैं सत्यवान का दावा है कि जो पीछे से जो गिरा ये मकान किसका भाई साहब ये मकान आपका है अच्छा आगे दुकान थी ये सत्यवान का मकान है जो मकान के सामने जो दुकान है उसके पीछे जो है वो एक गेट होने का दावा कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों को कि वो गेट कहाँ है और कहाँ नहीं ये हमारी दुकान के अंदर है और ये गेट है भाई तो ये अलमारी कौन सी है ये तो रास्ता था मेरा मतलब वैसे लगा रखी है अच्छा तो फिर आपने बेच दी थी उसके बाद क्या समस्या रहेगी उसके बाद भाई साहब इसमें मेरी 5-6 फुट जमीन थी अच्छा 5-6 फुट नहीं अंदर जमीन है जो जमीन थी उसका जिक्र आपने जब आपने बेची थी उसका जिक्र तब तक किया रजिस्ट्री तो गेट खोला है हमने तो रजिस्ट्री में क्या आया फिर
तो देख रहे हैं अभी खुला है जी गेट, मैंने फिटर रखी है खाली। नहीं नहीं अभी ये इसकी इसकी चिनाई अभी ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इन्होंने रातों रात क्या किया है, रातों रात इन्होंने कहा जब भी मैं एबसेंट हुआ यहाँ से कभी जब भी मैं कभी एबसेंट हुआ घर वाले बच्चे नहीं होंगे यहाँ पे, इन्होंने वहाँ पीछे से बंद किया है। अच्छा अपनी दुकान की साइड से चिनाई हो रही, वो बंद कर रहा क्यों साइड से? हाँ जब हम एबसेंट होंगे ना कभी तो देख लो विवाद जो है। ये हमने आपको दिखाया सत्यवन के मकान के बैक साइड में गेट होने का जो दावा किया है, लेकिन पुलिस का और पड़ोसियों का ये मानना है कि यहाँ जो सत्यवन है वो गलत तरीके से उन्हें रोक रहे हैं ऊपर बनाने के लिए, और जो विवाद है ये काफ़ी गहराता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पार्टियों को थाने में बुलाया जाएगा और उसके बाद इस मामले की पूरी जानकारी लेकर पूरी जो तथ्य जो है रजिस्ट्री वगैरह है सभी प्रूफ लेकर तब उसको दिखाया जाएगा। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई सफेदों की पुरानी चुंगी से एक दुकान को लेकर विवाद है, अब देखना होगा इस मामले में पुलिस किस तरह क्या कार्रवाई करती है या कानून का सहारा इन्हें लेना पड़ता है। हालांकि पुलिस ने भी माना है देखकर मौका देखने के बाद के उन्होंने भी सत्यवान को गलत बताया है और वीरेंद्र के प्रॉपर्टी होने का दावा किया है। आप बने रहिए जुड़े ये खबर तहलका है, लगती जल्दी किसी नई अपडेट आती है तो आपसे रूबरू, तब तक के लिए आ गया नमस्कार खबर तहलका, मैं हरीश कपूर सफेदों की पुरानी चुंगी से।